हेलो स्टूडेंट, आई एम चंद्रिका कुमारी फ्रॉम मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिनमाल। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास लेसन नंबर थ्री है एस्ट्रेंज प्रिजनर के। एस्ट्रेंज प्रिजनर मीन्स होता है कि एक अजीब कैदी, एक अजीब बंदी कैदी। Once upon a time, in one of the jails in America, there was a prisoner. के एक बार अमेरिका की एक जेल में एक कैदी था। प्रिजनर में होता है कैदी। His name was Patrick. उसका नाम पैट्रिक था। कि उसका क्या नाम था? पैट्रिक। He had been sentenced with life imprisonment, but he never felt sad. कि life means होता है आजीवन, और imprisonment होता है कारावास। तो वह उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। कि उसे पूरी लाइफ जेल में रहने की सजा सुनाई गई थी। लेकिन उसने कभी दुखी नहीं किया। कि जहाँ पे जिस जेल में वो कैदी था, उस जेल में उन जेल के ऑफिसरों को कभी दुखी नहीं किया, कभी परेशान नहीं किया। ही ऑलवेज रिमाइंड गे एंड हैप्पी। कि वह हमेशा खुश रहता था, हंसता रहता था। वन डे ही फेल्ड द जेल बाय जंपिंग ओवर द वॉल एट मिडनाइट। जंपिंग मीन्स कूदना। एक दिन वह आधी रात को दीवार पर कूदकर जेल से भाग गया। कि वो दीवार से कूदकर जेल से वह आधी रात को भाग गया। द जेल ऑफिशियल्स ट्राइड देयर बेस्ट टू रिकैप्चर हिम, बट टू नो अवेल। की उन की वह एक दिन वह आधी रात को जेल की दीवार से कूदकर जेल से भाग गया। और जेल के अधिकारियों ने पूरी कोशिश की, मतलब उन्होंने पूरी कोशिश की उसको पकड़ने की, लेकिन उसे नहीं पकड़ पाए। ही वॉज नॉट टू बी फाउंड एनीवेयर। लेकिन वह कहीं पे भी नहीं पाया गया था। कि वह कहीं पे भी नहीं मिला था। इट रिजल्ट इन सस्पेंशन ऑफ अ फ्यू स्टफर्स। कि इट रिजल्टेड इन सस्पेंशन ऑफ अ फ्यू स्टफर्स। कि वह इसके परिणाम स्वरूप, मतलब इसका रिजल्ट, कि वह वे ऑफिसर्स उन्हें नहीं पकड़ पाए। मतलब ऑफिसर्स में क्या होता है? अधिकारी। कि वह अधिकारी उसे नहीं पकड़ पाए, तो उन्होंने अपने कार्य से निलंबित कर दिया। कि उन कर्मचारियों को उनके काम से निलंबित कर दिया, के हटा दिया उनके काम से, सस्पेंड कर दिया उन कर्मचारियों को, अधिकारियों को, पुलिस वालों को। आफ्टर अ फ्यू डेज पैट्रिक रिटर्न द बैक टू द जेल विथ इवर परवेंडिंग स्माइल एट दिस फेस।
कुछ दिनों के बाद पैट्रिक वापिस वापिस मुस्कुराता हुआ जेल लौट आया। कि कुछ दिनों के बाद वो पैट्रिक वापिस अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वापिस जेल में लौट आया। ऑल द जेल ऑफिशियल्स वर सरप्राइज्ड टू सी हिम बैक। कि वह जो सभी सभी जेल के अधिकारी उसे वापस देखकर कि सभी जेल के अधिकारी उसे वापस देखकर आश्चर्यचकित हुए, मतलब सरप्राइज, मतलब एक सरप्राइज हो गए के ये वापस आ गया। वन ऑफ द ऑफिसर ऑफ द जेल सेड, जेल के एक अधिकारी ने कहा, ओ यू पैट्रिक, ओ तुम पैट्रिक, हाउ डिड यू कम, तुम कैसे आए। एम आई डी ड्रीमिंग, कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, कि मैं दिन में सपना तो नहीं देख रहा हूँ, कि मैं दिन में कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। पैट्रिक सैड स्माइलिंग, पैट्रिक मुस्कुराते हुए कहा, नो सर, इट्स अ फैक्ट। नहीं सर, यह सत्य है। आई एम हियर बिकॉज आई हैड टू बी हियर, कि मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे यहाँ होना था, क्योंकि मुझे यहाँ आना था या होना था। आज अपन इतना ही लेसन कंप्लीट, इतना ही करेंगे, आगे वाला बाद में करेंगे। अब आपको इसकी वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में करनी है। आपको अपने कॉपी में, होमवर्क में करनी है। सबसे पहले आपको लेसन नंबर लिखना है, फिर लेसन का नाम लिखना है। लेसन का नाम क्या? ए स्ट्रेंज प्रिजनर। फिर आपको ये वर्ड मीनिंग करनी है। आपको इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। उसमें से मैं आपको दो डाल रही हूँ, वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। पहले आपको लेसन नंबर 3 लिखना है, फिर लेसन का नाम लिखना है, फिर आपको ये वर्ड मीनिंग करनी है अपनी कॉपी में। फिर आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दो अपनी कॉपी में करने हैं। कि हु वाज पैट्रिक, कि पैट्रिक कौन था, पैट्रिक कौन था। आंसर होगा प्रिजनर। आंसर क्या होगा इसका? प्रिजनर, के पैट्रिक एक कैदी था ना, तो क्या था? प्रिजनर। आंसर इसका होगा प्रिजनर, के कैदी। कि हु वाज पैट्रिक, आंसर है, आंसर आंसर क्या होगा इसका? प्रिजनर। क्वेश्चन नंबर 2, 4, हाउ मैनी ईयर्स पैट्रिक हैड बीन सेंटेंस्ड टू जेल। कि वह पैट्रिक को कितने साल की सजा हुई थी, तो आंसर इसका होगा लाइफ इम्प्रिजर मैन। कि लाइफ इम्प्रिजर मैन, के आजीवन कारावास, उसको आजीवन कारावास हुआ था, तो लाइफ इम्प्रिजरमेंट। फर्स्ट है हु वाज पैट्रिक, आंसर आंसर होगा प्रिजनर। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 4, हाउ मैनी ईयर्स पैट्रिक हैड बीन सेंटेंस्ड टू जेल, आंसर होगा लाइफ इम्प्रिजरमेंट। ये था आपका होमवर्क। ये दो क्वेश्चन आंसर आपको अपनी होम कॉपी में करना है, और ये वर्ड मीनिंग आपको अपनी कॉपी में करनी है। थैंक यू।